हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आंचल। आज मैं आपको लेके आई हूँ सूरतगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर, सूरतगढ़ के खेजड़ी मंदिर में, जो हनुमान जी का मंदिर है। आइए मंदिर के अंदर चलिए। आज ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है सूरतगढ़ का। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। ये देखिए, आप मेन द्वार देखते होंगे मेरे साथ में, खेजड़ी का। ये मेन मूर्ति है जो अपने आप यहाँ पे निकली है मूर्ति, और सबसे प्राचीन मूर्ति है हनुमान जी की। ये है हमारे पुजारी जी। नमस्कार पुजारी जी। नमस्कार जी। ये हमको इस मूर्ति के बारे में बताएंगे। हाँ जी, ये सूरतगढ़ शहर के दक्षिण दिशा में स्थित श्री हनुमान खेजड़ी मंदिर, जो कि शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है। हाँ जी, इसकी स्थापना में लगभग 100 वर्ष हो चुके हैं। अच्छा। और ये जो पास में ही आप छोटा मंदिर देख रहे हैं, ये जो मूर्ति है वो इसके हनुमान जो खेजड़ी का पेड़ है, इस पेड़ के पास से निकली मूर्ति है, इसीलिए इसको हनुमान खेजड़ी के मंदिर नाम। ये अपने आप निकली थी? हाँ, ये अपने आप से निकली हुई है। और ये जो पेड़ है, इसके ऊपर नारियल धागा बांधने से हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है, और बड़े लोगों की यहाँ पर आस्था जुड़ी हुई है। और मंगलवार को, पूर्णमासी को यहाँ काफ़ी तादाद में यात्री दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। मेला भी लगता है यहाँ पे? हाँ, साल के अंदर 2 मेले लगते हैं इसमें, एक तो आश्विन शुद्धि पूर्णिमा को और चैत्र शुद्धि पूर्णिमा को, 2 साल में बड़े मेले लगते हैं। और मंगलवार, शनिवार और पूर्णमासी को यहाँ मेला जैसे माहौल रहता है। हाँ, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। सही। अब जो शादी होती है उसके बाद में जोड़ों को भी इसी मंदिर में लाया जाता है, सबसे पहले धूप लगाने के लिए भी, और छोटे बच्चों का झूला भी जो पहल पोत का उतरता है वो भी इसी मंदिर में उतारा जाता है, वो उस खेजड़ी के पास में वहीं उतारा जाता है, वहीं पे उतारा जाता है। ये देखिए, जो अभी पंडित जी ने बताया था मंदिर, जो जहाँ से निकली थी, ये देखिए, ये है वो मंदिर। इसके पास में लोग अपने धागे बांधते हैं, नारियल जब उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो उसको खोल के जाते हैं। अब इस खेजड़ी मंदिर ने काफ़ी विकास कर लिया, आप देख रहे होंगे पंडित जी जैसे बता रहे थे अभी। ये देखिए, उसके पास में छोटे छोटे मंदिर और बनाए गए हैं। आइए आगे आपको दिखाते हैं। ये इस साइड में आपने आगे, अब तो कोरोना काल में कम भीड़ है, नहीं तो यहाँ पर काफ़ी रश रहता है सारा दिन। सबसे पुराना मंदिर है ना ये। ये देखिए, राम दरबार भी बनाया गया है यहाँ पे। इस साइड में शिव जी का मंदिर भी बनाया गया है। शिव जी का मंदिर भी यहाँ पे बनाया गया है। एक साइड में छोटा सा पार्क भी बनाया गया है ताकि बच्चे। ये देखिए, काफी सुंदर जगह भी बनी है। मंदिर में एक साइड पे छोटा सा पार्क भी बना दिया ताकि बच्चे भी झूल सके, उनमें झूले भी लगाए हुए हैं, और जो आए गए हैं भक्तजन वो उसमें बैठ भी सके आराम से। धूप वगैरह, पौधे वगैरह काफ़ी लगा दिए हैं वहाँ पे। ये देखिए, आप ऊपर से देख रहे होंगे, काफ़ी इसको सज्जित किया गया है। यहाँ पे सब कुछ लगाया हुआ है ऊपर। देखिए, ये हॉल है जिसके अंदर जब कीर्तन होती है शरद पूर्णिमा को, जैसे पंडित जी बता रहे थे, शरद पूर्णिमा को यहाँ पे बड़ा सारा जागरण होता है, और खीर का प्रसाद बना के वो भी चढ़ाते हैं, रात को चांद की रोशनी में रख के फिर सुबह उसका भोग लगाते हैं, वो भी बनता है यहाँ पे। तो आए कभी सूरतगढ़ तो ये ज़रूर देख के जाएं। खेजड़ी मंदिर हनुमान जी का टिब्बों के बीच में बना हुआ है ये मंदिर। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और एक ज़रूर बात, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाने की ज़रूरत।